हेलो फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक टूल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आज हम बात करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की देखिए एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट देंज इन रिलेशनशिप ऑफ वेरियस आइटम्स टू टोटल तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए कॉमन साइज स्टेटमेंट का कंसेप्ट सामने आया कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या बताती है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो की हेल्प करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन बेस इसका मतलब क्या है कि हम एक कॉमन बेस लेकर जितनी आइटम्स होती हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की उसे हम किस चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज में जनरली इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो हम कॉमन बेस लेकर चलते हैं वो किसे लेकर चलेंगे सेल को सेल को हम 100% परसेंट मान चलते हैं सिमिलरली अगर हमें बैलेंस शीट की बात करें बैलेंस शीट के लिए भी तो हमें कॉमन बेस चाहिए होगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो एसेट वाली साइड के अंदर अगर हम देखें तो हम टोटल एसेट्स को बेस बनाते हैं और अगर हम लाइब्रेटी वाली साइड देखें तो टोटल लाइब्रेटी को हम बेस बनाकर चलेंगे एज अ हंड्रेड तो ये था कॉमन साइज स्टेटमेंट की कॉमन एक कॉमन बेस लेकर हम कंपैरिजन कर सकते हैं अब हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट की तो सबसे बड़ी लिमिटेशन जो है जनरली हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट थी या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो पीरियड के बीच का कंपैरिजन कर सकते थे लेकिन ये फैसिलिटी हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करती जनरली कॉमन साइज स्टेटमेंट कोई डेफिनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं करती किसी दो आइटम्स के बीच की रिलेशनशिप बताने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जानना हो कि हमारा टोटल स्टॉक टोटल एसेट्स का कितना है या हमारे क्रेडिटर्स टोटल लाइबिलिटीज के कितने होने चाहिए तो ये कोई हमें स्टैंडर्ड्स कॉमन साइज स्टेटमेंट में बताए नहीं हुए और एक और बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कॉमन साइज स्टेटमेंट की कि ये उन्हीं बिजनेसेस के लिए हेल्पफुल होती है जो कॉमन प्रिंसिपल कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का अगर दो बिजनेस इस तरीके के हैं जिनके प्रिंसिपल्स प्रोसीजर्स डिफरेंट डिफरेंट हैं तो वहां पर कॉमन साइज स्टेटमेंट का कंसेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं हो सकता तो ये था हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट का कंसेप्ट बहुत ही इजी था अब हम बात करेंगे ट्रेंड परसेंटेज और रेशियोस के बारे में ट्रेंड एनालिसिस जनरली यूजफुल होता है फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए हम प्रीवियस ईयर के डाटा के बेस पर फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमारी कौन सी आइटम कितनी होगी इस मेथड के अंदर हम किसी एक ईयर को बेस ईयर बना लेते हैं और उसके बेस पर बाकी सारी की सारी आइटम्स को हम रेशियो के फॉर्म में परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट कर देते हैं जनरली बहुत इजी मेथड होता है सबसे पहले हमने क्या करना होता है एक साल को बेस लेकर चलेंगे और जनरली uh, uh, क्या होता है कि फर्स्ट ईयर को ही हम बेस मान लेते हैं जो बेस ईयर होता है ट्रेंड रेशियो मेथड जो है एक इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक होती है मैनेजमेंट के लिए क्योंकि इसके अंदर हम जो लार्ज डाटा होता है उसे बहुत ही स्मॉल फॉर्म में दिखाकर समझ सकते हैं तो ये था फ्रेंड हमारा ट्रेंड एनालिसिस और यहाँ हमारा चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनालिसिस का कंप्लीट होता है थैंक यू सो मच